हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे 250 प्लस जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ में अपन जो क्वेश्चंस करते हैं उनका वीकली रिवीजन है। तो 250 प्लस के समथिंग आप इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया हो तो। और आपको यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो साथ साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। देखिएगा, अपन थोड़ी स्पीड से काम करेंगे। स्पीड से इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और उनको अपन को ओनली स्पीडली कवर करना है। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, ए बी सी डी। क्या आंसर बनेगा अपना, आंसर देते रहिएगा साथ ही साथ में सभी क्वेश्चंस का। तो आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे विटामिन डी। विटामिन डी है, उसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। रत एक टोपी से अपन सभी विटामिन के नाम याद रख सकते हैं, और विटामिन डी को अपन बोल सकते हैं रत एक, एक यानी कै, कै यानी कैल्सिफेरॉल। छिली हुई सब्जियों को धोने के बाद कौन सा विटामिन निकल जाता है, ए बी सी डी। सब्जियों को छीनने के बाद और उनको धोने के बाद में कौन सा विटामिन निकल जाता है गाइज, आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, ओनली 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने, केंचुए में कितनी आँखें होती है, आंसर दीजिएगा गाइज। केंचुए के अंदर कितनी आँखें होती है, एक दो तीन या कोई नेत्र नहीं। केंचुए जिसे किसान मित्र भी कहा जाता है, किसान मित्र किसको कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका कोई नेत्र नहीं होती है। हैजा रोग किसके कारण होता है, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ या फंगस। बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस या प्रोटोजोआ। क्वेश्चन पूछा गया आपसे हैजा रोग किसकी वजह से होता है, क्या आंसर बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी गाइज, जीवाणु की खोज की गई थी लीवेनहॉक के द्वारा, ध्यान में रखिए लीवेनहॉक। और विषाणु वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी, वायरस की खोज की गई थी इवान वोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेबीज के टीके की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, हरगोविंद खुराना, चार्ल्स डार्विन, लुई पाश्चर या लेमार्क। रेबीज के टीके की खोज की गई थी गाइज लुई पाश्चर के द्वारा, लुई पाश्चर। और इसी ने, लुई पाश्चर ने ही दिया था दूध का पाश्चराइजेशन। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज, एनीमिया, रतौंधी या मेनिनजाइटिस। आंसर हो जाएगा गाइज आपका एनीमिया। आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं अपन एनीमिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जिसका सिंबल आर होता है, इस तरीके से अपन इसका प्रतीक होता है, वेरिएबल को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आंसर बनेगा, ओम। रेजिस्टेंस प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। मायोपिया का अर्थ क्या होता है गाइज, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं। मायोपिया का अर्थ क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिएगा साथ साथ में। मायोपिया, मायोपिया को अपन क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति को निकट से दिखाई देता है लेकिन दूर से दिखाई नहीं देता उसको अपन बोलते हैं मायोपिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, और इसको अवतल लेंस के द्वारा करेक्ट किया जाता है। काला शीशा किसे कहा जाता है, काला शीशा किसे कहा जाता है, कोयला, ग्रेफाइट, कार्बन। चौथा या आंसर हो जाएगा अपना ग्रेफाइट। काला शीशा कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, हीरा ग्रेफाइट और फुजरीन होते हैं कार्बन के अपरूप। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, उसी प्रकार से आपको बताना कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर दीजिएगा गाइज, आंसर हो जाएगा 2। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं और फिश के हार्ट में होते हैं गाइज 2 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है गाइज, आंसर दीजिएगा फटाफट स्पीडली, आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और ध्यान दीजिएगा, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वही किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। और ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और वाटर और प्लाज्मा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, मनुष्य की खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, क्या आंसर बनेगा, खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या पूछी गई है गाइज,
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आठ हड्डियाँ होती है। आठ, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के पैर की नहीं है? पैर के अंदर पाई जाने वाली हड्डी कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने टीबिया, फीमर, ह्यूमरस। मानव के पैर की नहीं है तो आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबिया टांग में, फीमर जांग में, और ह्यूमरस अपना आंसर हो जाएगा जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है गाइज? खोखली, ठोस, किलक या सरंद्री? मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है? पैरों की हड्डी हमेशा खोखली होती है, ध्यान दीजिएगा खोखली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखली। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मलाशय, आमाशय या मुख? स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेशन का पूछा गया तो हमेशा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मुख से, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी मुख। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस आपके सामने पूछा गया, मानव पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है ये अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, 16, 18, 30 या 22, क्या आंसर बनेगा? मानव पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आंसर हो जाएगा 30 फीट, यूनिट आपको ध्यान में रखनी है गाइस 30 फीट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन या रेनिन? मुख में स्टार्च का शर्करा में, ध्यान में रखना है स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है गाइज? तो आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन के द्वारा। जल तथा नमक का पीएच का मान कितना होता है? जल और नमक का, हेलो हाय महेश कुमार, स्तुति मिश्रा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइज, जल और नमक का पीएच, पीएच बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसकी स्केल कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक स्केल होती है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 7, शुद्ध जल हो गया या आपका जो नमक हो गया उसके जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? दूध का पीएच वैल्यू आपसे पूछा गया है 7.4, 7, 6.4 या 2.4? दूध का पीएच वैल्यू हो जाता है गाइज 6.4, और जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका होता है 7.4, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4। मानव रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है? देखिएगा गाइज, ब्लड का और आंसू का दोनों का पीएच वैल्यू आपसे पूछा गया है तो दोनों की पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा अपना 7.4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल ध्यान में रखनी है आपको गाइज 0 से 14, रिएक्टर स्केल ध्यान में रखनी है आपको 0 से 10, 0 से 14 पीएच, रिएक्टर स्केल 0 से 10, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू होता है अम्लीय, और अम्लीय का कितना हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर देना है आपको, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? एडवर्ड जेनर या और कोई ऑप्शन होगा? चेचक के टिक्की की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध बताना आपको किसके साथ है? दिमाग, हेड, पांव या किडनी? पेसमेकर आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइज हृदय, हार्ट। निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? ब्लड के अंदर क्या क्या नहीं पाया जाता है? डीएनए, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ये डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है या किसी और चीज़ के अंदर पाया जाता ही है? क्वेश्चन पूछा गया है, मानव रक्त का घटक नहीं है, आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्रों की टोटल संख्या 46 होती है, 46 होती है। गुणसूत्रों में जोड़ों की संख्या पूछे तो आपको बताना है 23। ये देख लीजिएगा ब्लड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। इसमें ब्लड होता है किस किस का मिश्रण होता है? ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल होते हैं। ब्लड सेल के अंदर रेड सेल्स, वाइट सेल और प्लेटलेट्स होता है, बल्कि 55% में आपको 92% आपको वाटर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। राजेश
कुमार मैथ अपन ले रहे हैं पेपर्स के साथ में, जो भी मैथ आती है जो भी रीजनिंग आती है उसको अपन पेपर्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रेलवे के कर रहे हैं और एसएससी के भी अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का गाइज आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दिमित्री मेंडलिव ने क्या तैयार किया था, दिमित्री मेंडलिव ने क्या तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, अराजकता का सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्तसारणी, अल्पा प्रभाव या गोल्डन मीन। दिमित्री मेंडलिव ने क्या तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक तत्वों की आवर्तसारणी। और सबसे पहले दिमित्री मेंडलिव ने आवर्तसारणी दी थी, और ध्यान रखिएगा जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसके ऊपर आधारित थी? सबसे पहले वो थी द्रव्यमान संख्या के ऊपर आधारित, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? थ्योरी के साथ एमसीक्यू बिल्कुल, आपको इस तरीके का भी डेली बेसिस एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको थ्योरी साथ में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। कुछ वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं, साइंस के 7-8 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस पे, तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे आपको मिल जाएंगे। एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन कौन से है गाइज? आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, द्रव्यमान दे रखा है आपको 20 केजी और ऊंचाई दे रखी है आपको 2 मीटर की, 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, कार्य की गणना कीजिएगा। कार्य की गणना आपको MgS से देनी है गाइज, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसी के अकॉर्डिंग देना है। मास की जगह 20 रख देना, ग्रेविटी की जगह 10 रख देना, हाइट की जगह 2 रख देना और सबको मल्टीप्लाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 400 जूल। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता बताइएगा कितनी होगी? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता बताइएगा कितनी होगी? देखिएगा गाइज 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2n² पहली कक्षा में n बराबर 1 रख दीजिएगा, दूसरी कक्षा में n बराबर 2 रख दीजिएगा, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी +2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक गुणों के वाहक क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, आंसर दीजिएगा आनुवंशिक गुणों के वाहक क्या है? RNA या DNA या बीजाणु या परागकण? आंसर हो जाएगा यहाँ पे DNA। DNA है आनुवंशिक गुण या जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज होती है ह्यूमंस की, उनका जो वाहक होता है वो है DNA, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और DNA की डबल हेलिक्स संरचना दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? युग्मनज को इंग्लिश में बोलते गए जाइगोट। देखिएगा ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्राकरण, उर्वरीकरण, प्रकाश संश्लेषण या स्वेद। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा उर्वरीकरण, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल मैक्सिमम होता है, वायु के अंदर, तांबे की छड़ के अंदर, जल के अंदर या एल्कोहल के अंदर? किस मीडियम के अंदर दो पदार्थों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है वो मैक्सिमम होगा? किस मीडियम के अंदर पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल मैक्सिमम होगा? क्वेश्चन नंबर 34, आंसर हो जाएगा तांबे की छड़, तांबे की छड़ सॉलिड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइज है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्म ब्लड पूछा गया आपसे, रक्त गर्म, वर्म ब्लड। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त है गर्म होता है? मछली, पक्षी, सरीसृप या उभयचर? वर्म ब्लड या रक्त गर्म किसको बोलेंगे अपन? हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी स्तनपायी होते हैं, मैमल्स हो गए, मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए, इन सभी को अपन कहते हैं रक्त गर्म या वार्म ब्लड की कैटेगरी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक जाने के में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ग्रुप नंबर 17 देखते हैं अपन, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन इस तरीके से होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऊपर से नीचे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गाइज घटती जाती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको शुद्ध पदार्थ कौन सा है, बिल्कुल प्योर पदार्थ आपको बताना है यहाँ पे कौन सा है, वायु, दूध, चीनी का घोल या मीथेन। शुद्ध पदार्थ कौन सा है, शुद्ध पदार्थ कौन सा है गाइज, आंसर हो जाएगा आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मीथेन, CH4 जिसको अपन बोलते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संवेग क्या होता है, आपको द्रव्यमान दे रखा है, आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है मोमेंटम, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो दिया जाता है P = ma / V से, एम है यहाँ पे द्रव्यमान और वी है यहाँ पे वेग। तो देखिएगा 1/2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1, आंसर हो जाएगा ओनली mv, P = mv, m है आपके पास में 1/2 और v है आपके पास में 2v, तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली mv आपका बच गया। समूह 18 के तत्व कौन से हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 18 नंबर ग्रुप 18, और ग्रुप 18 को गाइस ध्यान में रखिएगा ग्रुप 0 भी बोला जाता है, ग्रुप 18 होता है जो अपना लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको ग्रुप 0 भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 होती है, उनकी संयोजकता 0 होती है, इसलिए इनको वैलेंसी 0 बोला जाता है, ग्रुप 18 भी बोला जाता है। और इनको बोला जाता है उत्कृष्ट गैसेज या अक्रिय गैसेज या नोबल गैसेज, उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं, अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं, नोबल गैस भी बोल सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेंडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेंडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है, एथेनोइक अम्ल किसका साधारण नाम है, एथेनोइक अम्ल किसका साधारण नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्यूमिंग अम्ल, एल्कोहल या एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का एग्जाम में फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है जो आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CH3COOH ध्यान में रखना है। और एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुक्रम एक प्रक्रिया है, धातुक्रम किस चीज़ की एक प्रोसेस है, अयस्क से धातुओं को निकालने की, लोइंग में जंग लगने की, तनुकरण करने की या एस्को के गैल्वनीकरण की। धातुक्रम एक प्रोसेस है किसकी, आंसर हो जाएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की, अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं धातुक्रम। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग किस तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा न्यूट्रल, बिल्कुल जो निष्क्रिय होता है लिटमस विलयन, इसका रंग किस तरीके का होता है, नीला, काला, जामुनी या बैंगनी। तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका जामुनी, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है जामुनी। जंग, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, लोहे के ऊपर जंग लगता है ब्राउन कलर बन जाता है, उसका आपसे रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया है, क्या आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 43, आंसर हो जाएगा आपका Fe2O3 × H2O। लोहे के ऊपर जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × H2O। निम्न में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, गाइज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्वरण के मान को गुरुत्व के त्वरण कारण प्रभावित नहीं करता है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान, शीर्षलंब, आकार या गहराई। द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी भी गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए। बाकी गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है, ध्रुव पे अलग होता है, विषुवत स्थल पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, ध्यान में रखिएगा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, काफ़ी हार्ड नहीं है, जिनमें से प्रत्येक का मान इतना है 1/5, उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिएगा। व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है और उनकी वैल्यू 1/5, और मैक्सिमम प्रतिरोध कब मिलेगा गाइज, मैक्सिमम प्रतिरोध मिलेगा जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबका मान जुड़ जाएगा, तो 5 प्रतिरोध है, ए की वैल्यू है 1/5, तो टोटल अपना आंसर हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, ओनली 1 ओम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अधिकतम, तब आपको जोड़ना है श्रेणी क्रम के अंदर, अधिकतम पूछे तो आपको जोड़ना है श्रेणी क्रम के अंदर, और आपसे पूछे मिनिमम, मिनिमम पूछे तो आपको जोड़ना है समांतर क्रम के अंदर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, जिस तरीके से एमीटर से अपन करंट को मेजर करते हैं
वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से अपन मेजर करते हैं कुछ डिटेक्शन करते हैं। गाइज हमेशा ध्यान में रखिएगा, गैल्वेनोमीटर से हमेशा डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है, डिफ्लेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपना धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ओनली अपन इसके द्वारा पता लगाएंगे कि हाँ करंट फ्लो हो रही है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन सा है? वेलोसिटी और समय के बीच, वेलोसिटी और समय के बीच कौन सा समीकरण है? तो आंसर हो जाएगा अपना गति का पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस एटी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, v बराबर यू प्लस एटी। ये दर्शाता है गाइज आपके विस्थापन और वेग के बीच में। जिस तरीके से है वेग और समय, ये वेग और समय है, ये विस्थापन और समय है, ध्यान में रखना। और ये है विस्थापन और समय, यह है वेग और विस्थापन। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। वेग और समय में कौन सा है? वेग और विस्थापन में ये है, और विस्थापन और समय में कौन सा है? ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे तीनों समीकरण है। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? पावर पूछ गई है, वर्क दे रखा है आपको, समय दे रखा है, तो पावर क्या होगी? कार्य। तो गाइज हमेशा ध्यान में रखना आपको डब्लू बाई टी, क्योंकि कार्य करने की दर है वो कहलाती है शक्ति। पी इक्वल टू होता है डब्लू बाई टी। ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, रेटिना, कॉर्निया या श्वेतपटल। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आंसर हो जाएगा पुतलियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज हमेशा ध्यान में रखना है आपको रेटिना के ऊपर बनती है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। और डोनेट क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है कॉर्निया को, डोनेट किया जाता है कॉर्निया को। इमेज बनती है रेटिना पे, और जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है पुतली के द्वारा। मानव पाचन तंत्र में पीत रस का स्राव होता है, पाचन तंत्र है उसमें पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? पीत रस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस, BILE। ऑप्शन आपके सामने है उदर, अग्नाशय, लीवर और छोटी आंत। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो गाइस ध्यान में रखना है लीवर से। अगर स्राव पूछे आपसे एग्जाम में तब आपको बताना है लीवर, यकृत। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टोर कहाँ पे होता है, इसका संग्रह कहाँ पे होता है, तब आपका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर स्टोर पूछे आपसे तो आपका आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर। और आपसे पूछे इसका सोर्स क्या है, स्राव क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत। त्वरण की ऐसी इकाई क्या है? वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। त्वरण की ऐसी इकाई क्या है? त्वरण कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण हमेशा गाइज कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर को। इसकी इकाई हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमेशा ध्यान में रखना है त्वरण होता है आपका सदिश राशि, त्वरण होती है सदिश राशि। निम्न में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, कौन से पौधे होते हैं जिनमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? चारा, मार्सिलिया, देवदार या फुनेरिया। आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार के पौधे होते हैं उसमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आवरण रहित का मतलब क्या हो गया, जो बीज हो गए उनके ऊपर आपको कवर देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से खुले बीज पाए जाते हैं देवदार पौधों के ऊपर। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम, निकल, टंगस्टन या कॉपर। आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। टंगस्टन होता है, इसका आपसे एग्जाम के अंदर मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है 100%। आपसे ध्यान में रखना है आपको इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, रट लीजिएगा, या 3600 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम में श्योर इसका आपसे गन्ना पूछा जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया है राकेश कुमार चौधरी, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3500 ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको 3600 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा गया कि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। देखिएगा इस तरीके से कोई तरंग चल रही है और इसका क्रमिक शीर्ष का मतलब पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, इन दोनों शीर्षों के बीच की लंबाई L है। तो ये L का मतलब क्या हुआ? आगे ये कह रहा है कि उनकी तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त करोगे?
तो गाइज ये जो दूरी है ये ही तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ध्यान में रखना। और इसी प्रकार से इन दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है वो भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तरंग दैर्ध्य भी इसकी एल होएगी। लेमड़ा तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी जो यूनिट होती है गाइज वो होती है एंगस्ट्रम होती है, और इसकी एक एंगस्ट्रम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10^-10 मीटर। अच्छे से रट लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 10^-10 मीटर। किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं? कौन सा मैमल होता है जिसके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं? व्हेल, सरनी, चमगादड़, चूहा। देखिएगा सभी के सभी स्तनधारी है, सभी के सभी मैमल्स है स्तनधारी है, और आपको यहाँ पे बताना है कि किसके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम बताना है आपको, टेनिन, रेनिन, पेप्सिन या रेजिन। दूध का दही में परिवर्तित किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका रेनिन, रेनिन। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? नमक की मात्रा बताइएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। नमक का साधारण नमक बोलते हैं NaCl, इसका फॉर्मूला होता है। आंसर हो जाएगा 0.4%, ध्यान में रखना है परसेंट, देखिएगा 0.4%। तो ये और वैल्यू कम हो जाएगी, परसेंट हटाओगे तो आप नीचे 100 लग जाएगी, तो यानी कुल मिला के हो जाएगी 0.004। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है आपसे, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है गाइस? 46 होती है। और यदि आपसे पूछे गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, जोड़े पूछ ले तो आपको आंसर देना 23। क्वेश्चन पूछ ले समजात गुणसूत्रों की संख्या, समजात गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, विषमजात गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य के अंदर ऊर्जा, सूर्य से जो एनर्जी मिलती है या सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनती है वो किसकी वजह से बनती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाभिकीय सलयन। और गाइस नाभिकीय सलयन अपन उसको बोलते हैं जिसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़ के बड़े नाभिक का निर्माण बनाते हैं, छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं नाभिकीय सलयन। और इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है गाइस हाइड्रोजन बम। एग्जाम में आपसे एग्जांपल पूछा जाता है नाभिकीय सलयन का एग्जांपल बताइएगा, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन पूछे नाभिकीय विखंडन का एग्जांपल बताइएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा परमाणु बम। परमाणु बम है विखंडन का, हाइड्रोजन बम है सलयन का। विखंडन है वो कंट्रोल वेव में होती है, और सलयन है वो कंट्रोल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया है कि बंद कमरे में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्न में से किस कारण दी जाती है? बंद कमरे में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह किस कारण दी जाती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण, ऑप्शन नंबर सी, CO बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है CO। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी के अंदर किया जाता है गाइज? सीसा संचायक बैटरी जो वो बैटरी जो होती है जैसे अपने घरों के अंदर UPS हो गई, या जो भी बैटरी इन्वर्टर के साथ में लगी हुई होती है उसके अंदर हो गई, जो बिजली को स्टोर कर सके, उसके अंदर हमेशा लगाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गाइज H2SO4। सीसा संचायक बैटरियों के अंदर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है HCl। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया जिसको अपन दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको अपन किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया वो रोग होता है जिसको व्यक्ति को नज़दीक से दिखाई नहीं देता है और दूर से उसको दिखाई देता है, किसके द्वारा इसको करेक्ट किया जा सकता है? तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ध्यान में रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को करेक्ट किया जाता है उत्तल से, और अवतल से करेक्ट किया जाता है मायोपिया को। स्पेशली जो बच्चे लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके जो रोग होता है वो होता है मायोपिया, और जो उम्र के साथ में बुढ़ापा आता है उसके बाद में जो रोग होने लगता है वो हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या बढ़ियात? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय। पेनक्रियाज अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप होता है, उसके अंदर बिट्टा कोशिकाएं होती है, बिट्टा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है?
किडनी, प्लिया, अग्नाशय या पित्ताशय। ब्लड बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लिया को। स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने, पेनिसिलिन की खोज किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, यकृत, तंत्रिका तंत्र या बड़ी आंत? पोलियो के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा अपना तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, नर्व सिस्टम। हैजा रोग किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फंगस? हैजा रोग है किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और इसकी खोज की थी लीवेनहॉक ने। कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है गाइज? एक्टिन, केराटिन, स्टोन। कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केराटिन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? पीत, जिसको अपन बाइल बोलते हैं, पीत, बाइल, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तिली, यकृत, गुर्दा या पित्ताशय? उत्पादन पूछा गया पीत का, तो पीत का उत्पादन होता है गाइज हमेशा लीवर के अंदर, यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट या तांबा? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है आपको बताना है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। इनमें से कौन रेडियो सक्रिय परिवर्तन में हिस्सा लेते हैं? रेडियो एक्टिव चेंज में हिस्सा कौन लेते हैं? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन या परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन या परमाणु का नाभिक? रेडियो सक्रिय परिवर्तन में हिस्सा कौन लेते हैं? आंसर हो जाएगा आपका परमाणु का नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन पूछा गया है, रेडियो एक्टिव चेंज पूछा गया है गाइज, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन नहीं पूछा गया। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु का नाभिक हमेशा भाग लेते हैं, जैसे कि सलयन के अंदर भी नाभिक काम में लेते हैं, विखंडन के अंदर भी नाभिक काम में लेते हैं। कौन सी किरण में नेगेटिव चार्ज होता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स? कौन सी किरण में नेगेटिव चार्ज होता है? क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो जाएगा बीटा किरणें, बीटा किरणों के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी, अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो या अवरक्त? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? आंसर हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा विकिरणों का। किस महान वैज्ञानिक द्वारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई? कौन महान वैज्ञानिक है जिसके द्वारा अल्फा बीटा किरणों की खोज की गई? आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है, उसने इस अल्फा कणों की बौछार की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी बौछार की थी? अल्फा कणों की बौछार की थी, तब यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे एक किरण वापस से लौट के आ गई, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, उसी को उसने नाभिक कहा था, और अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किस विधि से पृथ्वी की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? पृथ्वी की उम्र का अंदाज़ा किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या जैविक घड़ी? आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु नाभिक की किस महान वैज्ञानिक ने खोज की थी? परमाणु नाभिक की किस महान वैज्ञानिक ने खोज की थी? रदरफोर्ड, डॉल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन? अभी अभी हमने देखा था, आंसर हो जाएगा गाइज आपका रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, अल्फा बीटा किरणों की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, इसको बोलते हैं अपन एसी, डायरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डीसी की जीरो होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। तड़ित चालक को कौन सी धातु से बनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तड़ित चालक को कौन सी धातु से बनाया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या इस्पात? तड़ित चालक को कौन सी धातु से बनाया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या इस्पात? आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर सी।
इनमें से शोषक सेल कौन से होते हैं? ड्राई सेल शोषक सेल कौन कौन से होते हैं गाइज? प्राइमरी, सेकेंडरी, तृतीय, चतुर्थक। प्राइमरी सेल उनको बोलते हैं जिनको यूज करने के बाद में अपन फेंक देते हैं, जिसे अपनी घड़ियों के अंदर होता है उनको बोलते हैं अपन प्राइमरी सेल। द्वितीय सेल होते हैं जिनको अपन फिर से रिचार्ज कर सकें, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक सेल। हमारे घरों में किस क्रम में पंखे, बल्ब और अन्य विद्युत सामग्री लगी होती है? श्रेणी क्रम में होती है या समांतर क्रम में होती है? अपने घरों के अंदर जो भी कनेक्शन है वो श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में होता है? तो गाइज वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, समांतर क्रम में होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि एक फ्यूज हो गया तो बाकी सब काम करना बंद कर देंगे, यदि एक खराब हो गया तो बाकी सब काम करना बंद कर देंगे, इसलिए हमेशा समांतर क्रम के अंदर लगाया जाता है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां का नाम बताइएगा। पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने लार ग्रंथि, अग्नाशय, चार ऑप्शन देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि लीवर और पैनक्रियाज। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है इसका पेट में, पेट के अंदर। सब पेट का आगे अपन देखेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, और पाचन स्टार्ट होता है अमाशय या पेट में जाने के बाद, ऑप्शन नंबर बी। और छोटी आंत में इसका टोटली डाइजेशन हो जाता है। इसको देखिएगा दोबारा से एक बार, क्वेश्चन को 82 को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है? बड़ी आंत के अंदर, अग्नाशय, पेट या छोटी आंत? आंसर हो जाएगा छोटी आंत के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। लीवर द्वारा निकालने पर बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस का उत्पादन होता है किसके अंदर? लीवर के अंदर होता है। और बाइल जूस का जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर। जैसे लीवर से बाइल जूस बाहर आ जाता है, लीवर से बाइल जूस बाहर आ जाता है, उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना। अपन भोजन यूज करते हैं तो वो होता है एसिडिक, और उसका जो क्षारीय बना के उसको न्यूट्रल किया जाता है बाइल जूस के द्वारा। और बाइल जूस का श्रावण होता है लीवर से, और बाइल जूस का जो स्टोरेज होता है वो होता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइएगा। शरीर के अंदर सबसे हार्ड है, जैसे कि अपन बात करें हीरा एक कठोर पदार्थ है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? डेंटिन, पल्प, इनेमल। तीसरा ऑप्शन कहा जाए इनेमल, दांतों के अंदर पाया जाता है इनेमल, ऑप्शन नंबर सी। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन किस हिस्से के अंदर होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट या यकृत? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए। तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है गाइस? आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रो ड्रो, ध्यान में रखना है ड्रो। ग्रो से तो अपन नमी मेजर करते हैं, और ड्रो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? टोटल संख्या कितनी है ग्रीन हाउस गैसों की? 6 है, आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, मीथेन। ये ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है गाइज? अल्ट्रासोनिक तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी। और पहला ऑप्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पहला ऑप्शन ही पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि सर्वे या ऑडियबल, सर्वे या जो ऑडियबल तरंग है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है गाइज 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़। तो पहला ऑप्शन ध्यान में रखना है आपको ऑडियबल के लिए। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, संख्या पूछी गई है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। सोडियम है, सोडियम का जैसे 11 हो गया, तो ये किसके बराबर होती है? ये हमेशा होती है प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है तत्व की परमाणु संख्या।
कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? वो होता है शीशा की वजह से। गाड़ी मोटरों के धुएं से जो शीशा निकलता है उसमें धुएं में शीशा होता है और उसकी वजह से वायु प्रदूषित होती है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना उसके प्रसार का अध्ययन क्या होगा? पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेशम के कीड़ों का पालन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन। सामान्य स्वास्थ्य के लिए पीएच, रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका 7.35 से 7.45 और नॉर्मली अपन ले लेते हैं 7.4। 7.35 से लेकर 7.45। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका रिब्स। ऑप्शन नंबर सी रिब्स करेक्ट। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी गई है? कौन सी खोज है हाल ही में की गई है? लिग्गो, आपने नाम सुना होगा लिग्गो, उसी पे आधारित है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है गाइज? रेडियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम? आंसर हो जाएगा यूरेनियम का 98 यूरेनियम। आधुनिक आउटसारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक, आधुनिक परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है, परमाणु संख्या के ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर, और मोजले ने दी है, आधुनिक मोजले ने दी है। 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है लैंथेनाइड, और लैंथेनाइड से जो नीचे होते हैं उनको बोला जाता है एक्टिनाइड। तो आंसर हो जाएगा अपना लैंथेनाइड। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा इस तरीके से दो लाइनें होती है, एक तो होती है लैंथेनाइड, एक होती है एक्टिनाइड। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित है? 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब हो गया इसकी संयोजकता 2 है, और इसकी संयोजकता 2 है इसका मतलब ये दूसरे ग्रुप के अंदर उपस्थित है। तो आंसर हो जाएगा 2। ओके, तो गाइस ये अपना टारगेट था वीडियो को काफ़ी लेंथ करने का, लेकिन रेस्पॉन्स की वजह से इस वीडियो को मैं 100 क्वेश्चन पे समाप्त कर रहा हूँ। डेली बेसिस के ऊपर अपन उसी रेगुलर टाइम पे अपन इसको करते रहेंगे। इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल से आपको रेगुलर 8 AM, 10 AM वही जीके और साइंस रेगुलर मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप रेस्पॉन्स देते रहिएगा, ताकि रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।